फैंस कितनी गर्मी हो रही है? तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। ओहो, मैंने टेम्परेचर नहीं पूछा। देखा किस तरह से ये मुकर गई है, अभी इसने खुद पूछा है कि कितनी गर्मी हो रही है। अरे मैं बता रही हूँ। अरे क्यों बता रही थी, क्या हम डीप फ्रीजर के अंदर बैठे हुए हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि कितनी गर्मी है? वैसे एक बात बताऊँ, मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो आप सर्दियों के भी मौसम में कहते हैं। नहीं नहीं रेबी, सर्दियों में मैं कहता हूँ मुझे सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं। सर मैं यही कह रही थी। तुम्हें भी सर्दी पसंद नहीं है? ओहो नहीं, मेरा मतलब ये आप किसी हाल में खुश नहीं रहते। अच्छा अच्छा, आप तुम दोनों चुप कर जाओ ना, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। हमारे बोलने से आपको गर्मी लग रही है अम्मी? नहीं, इस मनहूस लोड शेडिंग की वजह से। अरे हमसे अच्छा तो वो फकीर है जो रोज हमारे घर भीख मांगने आ जाता है। वो कैसे? उसके गांव में जरा सी भी लोड शेडिंग नहीं होती है। वाकई सच बता रहा था वो? हाँ अम्मी, वो असल में ना उसके गांव में अभी तक बिजली पहुंची नहीं है। तो जब बिजली नहीं है तो लोड शेडिंग कैसे होगी? कितनी अजीब सी बात है, इतनी देर से लाइट गई थी और बेल बज गई। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे हाँ, मुझे याद आया कि जब लाइट गई थी तो मैंने पंखे का बटन ऑफ कर दिया था। हद कर दी अम्मी, आपने मेरी कलाइयों में दर्द हो गया पंखा घुमा घुमा। मैं देखती हूँ कौन आया है। और तुम पंखा तो ऑन करो। यस यस यस, का है बटन। एक और कहानी आई रे, थोड़ी सी तलखियां है मगर प्यार भी है यहाँ। सुनते थे जो किसे कभी। तो हैरत हो रही है कि बिजली के बिल ने बिल कैसे बजाए। कौन है देवी? बिल। ओ, नाम से तो अंग्रेज लग रहा है, क्या बोल रहा था वो? तो बोल नहीं सकता, गूंगा अंग्रेज। फैस, मैं बिजली के बिल की बात कर रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते तो भरा था हमने। हाँ वो तो पानी का बिल था। उससे पहले? टेलीफोन का बिल। अरे उससे पिछले हफ्ते तो भरा था। गैस का बिल। अरे इस दुनिया में क्या हम लोग बिल बिलाने के लिए पैदा हुए? फैस, मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें पता है 5,000 रुपए आया है बिजली का बिल। 5,000 का बिल? क्या पूरे मोहल्ले का बिल हम पर लगा दिया उन्होंने? हाँ, मैं भी यही सोची थी, बिजली इतनी आती नहीं है जितनी जाती है, फिर भी इतना सारा बिल आ गया है। मुझे लग रहा है ये लोग लोड शेडिंग के भी पैसे ले रहे हैं हमसे। सर, कल बिजली के बिल की ना आखिरी डेट है, उसके पास 1,000 रुपए पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें, अम्मी से मांगते हैं। अम्मी आपसे एक काम है। मुझे तो काम मत कहना भाई, मैं बहुत थकी हुई हूँ। हैरत है? किस बात पर? मतलब कुछ किए बगैर ही आप थक जाती हैं, हैरत की बात है। ज़ेबुन निसा। अरे अम्मी आप इसको छोड़ें, आपको पता बिजली का बिल कितना आया? कितना? पूरे 5,000। वाकई फिर? हाय, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है? वो पड़ोस वाली नादरा है ना, परसों वो बहुत शोर मार रही थी कि हमारे घर तो 4,500 रुपए का बिल आया है बिजली का। अब मैं भी शोर मारूंगी कि हमारे घर 5,000 का बिल आया है। अरे अम्मी, जब फैस बिल पे कर देंगे ना, तब आप उनको शोर मारिएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब पेट की मोहर लग जाएगी ना बिल पे, तो रोब ज्यादा पड़ेगा। हाँ हाँ बहू, वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही। तो फिर हमें जल्दी से 5,000 दे दें ताकि मैं बिल जमा करा दूं। अरे मैं तो बिल्कुल खाली हाथ खाली जेब हूँ, जहर खाने को भी पैसे नहीं। वो तो मैं आपको दे दूंगी, अभी आप से फैज को 5,000 रुपए दे दें बिल के। अगर फैज इतना लंबा चौड़ा बिल अदा करने की जरूरत क्या है? तो फिर क्या करूं मम्मी? अरे मेरी मानो तो मीटर में कुछ गड़बड़ कर दो। गड़बड़ क्या मतलब? गड़बड़ मतलब मीटर में खराबी कर लेते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जग भर के पानी डाल देते हैं मीटर में। ये भी तुम तो चुप ही रहो तो बेटर है। अम्मी आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? हाँ मेरे बैग में कार्ड है। अरे बहू, वो नंबर मांग रहा है और तुम उसको कार्ड दे रही हो? अम्मी उस कार्ड के ऊपर नंबर ही तो लिखा है। अरे भाई मैं खुद ही ले लेता हूँ, रुक जाओ। कौन आ गया? हेलो, इकबाल टेस्टर बोल रहा हूँ। अभी टेस्टर कब से बोलने लगा? अम्मा बता रही थी जब मैं 4 साल और तकरीबन 3.25 महीने का था जब से बोलने लगा। भाई हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। यहाँ तो हर किसी को किसी न किसी चीज की जरूरत है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो मैं क्या करूँ? किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज दो। कहाँ? हमारे घर। नहीं मैं नहीं भेज सकता। मगर क्यों? क्योंकि मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मतलब ये रॉन्ग नंबर है। क्या बकवास कर रहे हो, रॉन्ग नंबर कहाँ से, ये राइट नंबर है। तो भाई आप हैं कौन?
अबे बताया तो है एक बार टेस्टर टेस्टर टेस्टर। अबे भाई तो तू करता क्या है? इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले आपने पूछा ही नहीं। अच्छा भाई तुम ऐसा करो फौरन हमारे घर आ जाओ। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं तुम्हारा घर है कहाँ। तो पूछो ना रास्ता। मैं क्यों पूछूं? खुद बताओ। अच्छा भाई सुनो। आई रे आई एक और कहानी आई रे, थोड़ी सी तलखियां है मगर प्यार भी है यहाँ। सुनते थे जो किस्से कभी देखता हूँ यहाँ, छोटा सा ये जहाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। हाय हाय सफदर, ये तुझे क्या हो गया? इतना बदल कैसे गया? क्या हो गया? कौन सफदर? अरे मेरी बहन नसरीन का बेटा। अरे खाला मैं आपकी बहन का बेटा नहीं हूँ। अरे तो फिर खाला खाला क्यों कह रहा है? मैं तो यही समझी कि सफदर है। अरे नहीं खाला मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो फिर खाला खाला मत बोलना। हाँ वैसे हो तो मेरी नानी अम्मा की उम्र की। क्या कहा? नहीं नहीं आपको कुछ नहीं कहा बाजी। हाँ बाजी ठीक है बिल्कुल। अब काम की बात हो जाए। हाँ काम की बात तो करेगा फैन। अंदर आ जा। बड़े तार फैले। काम तो बड़ा खतरनाक है भाई। क्यों तुम्हारे पास रबड़ का दस्ताना नहीं है क्या? हाँ है। तो क्या मसला है? वो पहनना और काम पे लग जाना। अरे फिर भी काम में खतरा है। ओहो आप रबर के दस्ताने पहनेंगे ना तो आपको करंट नहीं लगेगा। अरे बाजी करंट से डर नहीं लगता है अकबाल टेस्टर को, बस करंट अफेयर वालों से डर लगता है। क्या मतलब? अरे बाजी आजकल बिजली वाले जगह जगह छापे मार रहे हैं कुंडों के खिलाफ। टीवी पे नहीं देखा ऑपरेशन बर्क? है तो हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम कुंडा मारो। हाँ हम तो बस इतना कह रहे हैं कि मीटर के लगाम में खींच दो थोड़ी सी। हाँ? लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे गड़बड़ करने ही तो बुलाया भाई तुम्हें। नहीं मेरा मतलब अगर पुलिस ने पकड़ लिया फिर तो हम कोई और इलेक्ट्रिशियन ढूंढ लेंगे। वाह भाई वाह आप तो बहुत सेल्फी है। क्या मतलब सेल्फी? अम्मी सेल्फी मतलब वो जो खुद से तस्वीर नहीं खींचते यूं करके मोबाइल से। ओहो इसका मतलब है सेल्फिश है। वही वही ये जो बाजी कह रही है। चलो यार लंबाई नहीं करो काम शुरू करो। हजार रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। ओके मगर पैसे काम होने के बाद मिलेंगे इकबाल। मंजूर है। तुम्हारा नाम इकबाल नहीं था? जी हाँ इकबाल ही है मगर इकबाल को ये आपकी ऑफर मंजूर है। अच्छा ऑफर मंजूर है। हाँ, हाँ। चलो ठीक है करो, करो करो। आप लोग निकल लो ये हुनर का काम है और अपना मैं राज किसी को नहीं देता। हाँ चलो हमें कोई जाए कोई इनको फर्क कोई ना। टके का काम नहीं हजार रुपए इस तार इधर से उधर ही तो करते हैं। चलो भाई शुक्र है कि अब बिजली का बिल कम आया। हाँ लेकिन अम्मी इलेक्ट्रिशियन को देने के लिए हजार रुपए मेरे पास नहीं है भाई। टेंशन नहीं। अच्छा वाकई आप देंगी पैसे? मैं क्यों दूंगी बहू देगी ना। क्यों बहू के बैंक में डकैतियां डालती फिरती है? देखी देखी इसकी जुबान। नहीं अम्मी जबान तो उसे दिखाई नहीं। चला तो रही है ना। पकड़ा गया नाज़रीन अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से खुलेआम की टीम ने आज फिर एक बेजमीर शख्स को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आइए इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इकबाल। शर्म नहीं आती? इकबाल नाम है काहे की शर्म, ये तो बड़े बड़े आदमियों का नाम है। मैं बिजली चोरी करने का पूछ रहा हूँ। अच्छा तरीका? वे जुगतबाजी करता है मेरे साथ। वो फैसलाबाद में रहता था ना। बताऊँ अभी? मुझे काम के पैसे मिलते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा इकबाल ने इकबाल जुर्म कर लिया है और इसने बताया है कि कोई इसे पैसे देता है। खुलेआम की टीम अब ये पता लगा के रहेगी कि वो कौन लोग हैं जो इस मासूम शख्स को इस घिनौने काम पे मजबूर कर रहे हैं। चलो रॉबर्ट। नाजरीन अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से खुलेआम की टीम उस घर का सुराग लगाने में कामयाब हो गई है जो बिजली चोरी में मुलव्वस थे। आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्याल है। शुक्रिया शुक्रिया वो छोड़े। ये बताएं कि आप लोग इस शख्स को जानते हैं? हाँ नहीं पता नहीं। नहीं हम तो इसे नहीं जानते। पर सर मुझे तो इसकी शक्ल कोई जानी पहचानी लग रही है मगर याद नहीं आ रहा। क्या हो गया अम्मा इतनी जल्दी भूल गए? अरे भूलता तो इंसान उसको है जो याद हो मगर तुम तो हमें याद ही नहीं हो। अरे छोड़ो यार आज मेरा इंसानियत पे से यकीन ही उठ गया।
देखिए बेकरार भाई, सारी बातें छोड़े, प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी खिंचा ले, फेसबुक पे लगानी है। हाँ जरूर जरूर। सैजी जरा फोन दीजिएगा। ये लो। आई रे आई चेहरे पे खुशी, आई रे आई रे आई एक और कहानी। थैंक यू। एक सेल्फी मेरी टीम के साथ भी हो जाए। रॉबर्ट आजा। सैजी खींचे ना। चलो मैं अभी फिर आ जा। ठीक है। सुनते थे जो किससे कभी देखता हूँ यहाँ छोटा सा ये जहाँ। ओके थैंक यू। अरे इकबाल भाग गया। शुक्र है। क्या मेरा मतलब है कि झूठा था ना कमीना, इसलिए भाग गया, सच्चा होता तो यहीं रुकता। नाजरीन इकबाल जुर्म करने के बाद फरार हो चुका है, मगर खुलेआम की टीम इस घर की तलाशी जरूर लेगी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि कुछ तो गड़बड़ है। रॉबर्ट आओ। रॉबर्ट अरे हाँ क्या करेंगे, ठीक आ गया। टेंशन हो रही है, टेंशन। अम्मी कुछ भी हो जाए आपने कबूलना नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन हमने बुलाया है। मेरी तरह से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ओके ओके जेबी प्लीज तुम भी मत कबूलना कि इलेक्ट्रिशियन हमने बुलाया था। मैं पागल थोड़ी हूँ फैज। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं पागल हूँ क्या? मैंने ऐसा कब कहा? अरे कहा नहीं, मगर मतलब तो यही था ना। ओहो आप दोनों लड़ना बंद करें और ये सोचें कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। नाजरीन जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इनके किचन में कितनी मक्खियां भिनक रही हैं, ऐसा लग रहा है कि खाने के बाद बर्तन नहीं धोते हैं और खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते हैं। और ये देखिए एक साफी भी हमें मिली है, आइए चल के इनसे बात करते हैं। ये क्या है साफी? वो तो मुझे पता है। पता है भाई तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अरे भाई ये इतनी गंदी क्यों है? अरे किचन की सफाई होती है, झाड़ पोछ होती है, गंदी नहीं होगी तो और क्या होगी। देखा नाजरीन एक और ब्रेकिंग न्यूज, इन लोगों ने कबूल लिया है कि ये साफी इन्हीं के घर की है। तो अब जरा खुद सोचें कि जिनकी साफी इतनी गंदी होगी उनकी सोच कितनी गंदी होगी। एल्बर्ट आ जाओ। एल्बर्ट भाई अम्मी मुझे लग रहा है ये हमें पक्का जेल भेज के छोड़ेगा। फैजी मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ऐसा करो कि तुम दोनों सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो। वो क्यों? इस उम्र में मैं जेल जाती अच्छी लगूंगी क्या? कभी नहीं मिला। बेटा मुझे तुमसे एक बात करना है। रॉबर्ट कैमरा ऑन रखना। देखिए आंटी मुझे रिश्वत ऑफर मत कीजिएगा। रिश्वत देने के पैसे होते तो हम बिल ना अदा करते। आपने कुछ कहा? हाँ मेरी इस घर में सुनता कौन है। क्या मतलब? मैं बहुत दुखी हूँ बेटा। हाँ हाँ जब बिजली चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो वो दुखी ही होता है। आए नहीं बेटा मेरा ये दुख नहीं है। तो फिर आपका क्या दुख है? मत पूछो। चलिए नहीं पूछता तो पूछोगे नहीं तो बताऊंगी कैसे। मगर अभी आपने ही तो कहा कि मत पूछो। मेरी बहू ना मुझ पर बहुत जुल्म करती है। ये बात आप मुझे नहीं अपने बेटे को बताएं जाकर। उसकी आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी है बीवी की मोहब्बत की। तो मैं क्या करूं? ए, मेरी दुख भरी दास्तान अगर तुम अपने प्रोग्राम में बयान करोगे ना यकीन जानो बहुत रेटिंग आएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है रॉबर्ट। नाजरीन अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से खुलेआम की टीम के पास एक और इंकशाफ हुआ है। इस घर में सिर्फ बिजली चोरी नहीं हो रही बल्कि एक बूढ़ी माँ के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं, और खुलेआम की टीम ने अजम किया है कि वो इस बूढ़ी माँ को उसके हुकूक दिलवा कर रहेगी। बूढ़ी बूढ़ी क्यों कहे जा रहे हो? ओके हाँ भाई कैमरा सेट हो गया। जी सर। ये मैं इतना काला क्यों आ रहा हूँ, ब्राइट करें इसे। ब्राइट तो है। चुप करें आप, मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ मुझे पता है मेरा चेहरा किस तरह आना है। ब्राइट करें इसे, सब पता है मुझे, जानबूझ के छेड़छाड़ी कर रही है। पागल नहीं हूँ मैं और मैं किसी से नहीं डरता। जेबी ये डायलॉग कुछ सुने सुने नहीं लग रहा। मैं भी यही सोच रही थी फैजी। सर क्यों शुरू करें हम? हाँ नाजरीन अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं से खुलेआम की टीम ने इस बूढ़ी माँ को इंसाफ दिलाने का फैसला किया है। आइए इनकी बहू से बात करते हैं। आप अपनी बूढ़ी सास पे जुल्म क्यों करती हैं? जुल्म? कैसा जुल्म? कैसा जुल्म? ये मुझे सिगरेटों से जलाती है। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं मैं नहीं पीती। सिगरेट पीती नहीं है, लेकर आती है सिर्फ मुझे जलाने के लिए। ये तो फजूल खर्ची हुई। क्या मतलब? मतलब जलाया तो किसी और चीज से भी जा सकता है। जेबी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये आपकी माँ पर जुल्म करती हैं। अरे नहीं भाई मेरी मेहनत की कमाई से सिगरेटें मंगवाती है। ओ फैजी मैं कोई सिगरेट नहीं खरीदती भाई। अगर सिगरेट नहीं मंगवाती तो फिर इन सिगरेट से जलाती कैसे हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। आप बताओ अच्छू फसी में सब पागल हो गए। तौबा यार इतना अच्छा शो चल रहा है उठ के।
तुम रो रही हो? नहीं मैं हंस रही हूँ। अच्छा मुझे लगा तुम रो रही हो। आप अंधे हैं क्या? नहीं मुझे नजर आता है, देखो ये चार हैं, ये चार है ना, मुझे भी नजर आ रहे हैं चार। आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं रो रही हूँ? नजर आ रहा है, जब भी तो पूछ रहा हूँ क्यों रो रही हो तुम? आपकी अम्मी ने सबके सामने टीवी पे मुझे जलील कर दिया। टीवी पे कहाँ जेबी, घर पे कराया है। अरे तो वो प्रोग्राम टीवी पे चलेगा ना? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। तुमने देखा, तुमने देखा कि ये कितनी बदतमीजी से वहाँ से उठ के आ गई है। अम्मी लेकिन आपने इल्जाम भी तो इतना बड़ा लगाया था। कौन सा इल्जाम लगाया मैंने? आपने ये नहीं कहा कि मैं आपको सिगरेट से जलाती हूँ? चलो जलाया नहीं, मगर जला तो सकती हूँ ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हारा इरादा हो कि तुम मुझे सिगरेटों से जलाओगी तो मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया। अरे अम्मी ये आपस के झगड़े का वक्त नहीं है। फिर ये चैनल वाले आए ना, इनसे जान छुड़ाने का वक्त है। बता ना फिर क्या करें। एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बताओ। हाँ इधर आए देखो। मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। आंख का ऑपरेशन हुआ होगा। अल्लाह ना करे। तो फिर पट्टी क्यों बंधी हुई थी? मेरी आंखों पे अना की पट्टी बंधी हुई थी बेकरार भाई। मैंने अपनी सांस पर बहुत जुल्म किए हैं। क्या वाकई? जी अब मैंने कभी सिगरेट से नहीं जलाऊंगी। तो फिर किस चीज से जलाएंगी? ओहो नहीं नहीं, मैं अब इनको जलाऊंगी नहीं, अब हम दोनों मिलजुल के रहेंगे प्यार मोहब्बत से। हाँ और मैंने भी अपनी बहू को माफ कर दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा भाई अब इसी खुशी में आप जाएं फिर। मतलब कि आपके आने का मकसद तो पूरा हो गया ना, अब हम हंसी खुशी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि खुलेआम की टीम ने आज फिर एक अहम काम सर अंजाम दिया, सास बहू की नफरत मिटाकर मोहब्बत का पैगाम दिया। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ बेकरार, एबीसी न्यूज कराची। ओह शुक्र है कि हम बच गए। बाकी अम्मी अगर इल्जाम हम पे साबित हो जाता तो इज्जत का तो फालूदा निकल जाना था। बिल्कुल जैसी इज्जत का फालूदा उस वक्त होता है जब इंसान की कोई इज्जत होती है। बहू तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? अम्मी टीवी पर बैठ के आप उसमें जो झूठे झूठे इल्जाम लगा रही थी उस वक्त आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? नहीं कोई दरवाजे पे आया, मैं देखता हूँ। अबे भाई तू फिर आ गया? फिर क्या आ गया, अपने पैसे लेने आया हूँ। पैसे तो मुझे तुमने कौन से पैसे दिए थे? मैं क्यों दूंगा तुम्हें पैसे? जब मुझे पैसे दिए ही नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्यों दूं? ओ भाई मीटर सिलो नहीं किया था उसके पैसे। अच्छा वो तो रात गई बात गई, चलो कट लो ऐसे निकल लो। ओ भाई ना रात गई है ना बात गई है, टेस्ट करना हमें मेरा चला कि नहीं करो वरना अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। यार नाराज हो गए टेस्टर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। नाजरीन खुलेआम टीम ने जो चाल चली थी वो कामयाब हो गई है और हमने इन दोनों मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इनके साथ क्या सलूक करती है। रॉबर्ट ले चलो इन दोनों को। अरे भाई अम्मी जेबी।